और ना जितनी आनी पड़नी करनी सेना है इतने तो आ रहे हैं बच्चे हैं वरना जितनी आनी पड़नी करनी सेना है इतने तो आ रहे हैं बच्चे हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम आपके बीच करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक वीडियो क्लिप लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जालौर के सुराणा प्रकरण को लेकर एक जनसभा की थी आरोपी के पक्ष में जनसभा की थी। उस जनसभा में जिस तरीके से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बेतुके बयान दिए हैं, वो आपके लिए सुनना बेहद ही जरूरी है। वीडियो में ज्यादा बातचीत करने से पहले मैं आपको उस वीडियो क्लिप को दिखाना चाहूंगा जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल है। सबसे पहले आप इस करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेतुके बयान सुनिए, फिर हम आपसे आगे बात। हमें न्याय चाहिए, न्याय। पूरे देश के नेताओं ने यहां आकर के जहर घोलने का काम किया। ये आपका भाई जो इस देश के अंदर करोड़ों सवर्णों का नेतृत्व करता है, 36 कौम का नेतृत्व करता है, ये सुखदेव सिंह गोला मेरी आपके सामने खड़ा है। और मीडिया के भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि पूरे देश को दिखा दो, चाहे लाइट चला के दिखाओ, चाहे आपके चैनल पर न्यूज भेज करके दिखाओ, पूरे देश को दिखा दो। या एक पानी की सरकार से बात कर लो कि हम कलेक्ट्री पर आ रहे हैं, उससे पहले थान सिंह को बहाल किया जाए। और शायद आशियाई तो जाति का जहर बोल रहा है, जो जाति को उकसा रहा है उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए, ये हमारी मांग है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, कलेक्ट्री पर चलने के लिए सब तैयार हो ना, हाथ खड़े करके बता दो, ये देख लो, हाथ खड़े रखो, ये देख लो, मीडिया के कलेक्टर एसपी सीआईडी आईपी सब लोग हम आ रहे हैं कलेक्ट्री पर दो दो हाथ करने के लिए। ऑफिस चाहे एसपी ऑफिस, चाहे कोई भी कार्यालय हो, वो सार्वजनिक होने चाहिए, जातिवाद नहीं होनी चाहिए। हाँ, घरों में तो सब लोग करते हैं। मैं नेकवाद समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग वाल्मीकि के घर जाकर के पानी पी लेते हो? क्या भीलों के घर पानी पी लेते हो? कि हम सब ये देख लो मीडिया के भाइयों, कैमरा घुमा करके देख लो, 36 कौम को साथ लेकर के चलती है करणी सेना। हम सब सस्पेंड करो, नार्को टेस्ट हो। आपने सुना, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधा सबसे पहले कहा कि हमें न्याय चाहिए। फिर शासन प्रशासन इन्हें किस बात का न्याय दे? इनका तो हमेशा से यही रहा है कि आरोपी के पक्ष में जनसभा करना, आरोपी के पक्ष में खड़े होना, जब तक आरोपी को जेल से रिहा ना करा दे, जब तक इन पर जो हर संभव कोशिश होती है वो हर संभव प्रयास करने का ये काम करते हैं। इन्होंने साफ कहा कि चहल सिंह को सबसे पहले रिहा करना चाहिए। आखिर चहल सिंह को रिहा क्यों करना चाहिए? चहल सिंह ने जो गुनाह किया है, जो शर्मसार कर देने वाली जो घटना को अंजाम दिया है, उसकी सजा चहल सिंह को मिलनी चाहिए, इनको ये कहना चाहिए, पर ये नहीं कह रहे। इनको सिर्फ चहल सिंह को रिहा कराना है, इनको न्याय चाहिए, चहल सिंह के पक्ष में ये खड़े हो रहे हैं। आपको पता ही है कि ये लोग हमेशा से ही उसके पक्ष में खड़े होते हैं जो गरीब दलित शोषित वंचितों पर हमेशा से उत्पीड़न करता है, उनको मारता है, उनको पीटता है, उनकी जाति को लेकर उनको अपमानित करता है। ये लोग उनके पक्ष में खड़े हमेशा नजर आएंगे, आप देख लेना। हाथरस के कांड में भी यही हुआ था और अब भी यही हो रहा है। जालौर के सुराणा गांव में जो चहल सिंह आरोपी है, उसके पक्ष में ये करणी सेना के लोग खड़े होते दिख रहे हैं और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोपी के पक्ष में जनसभा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपके साथ कौन है कौन नहीं है, जो हमेशा आपका वोट लेने के लिए आपको लुभावने वादे करते हैं, हम आपके भाई हैं, ये सब कहते हैं। तो आपको समझना चाहिए आखिर आपका कौन है, आपका कौन नहीं है, ये आपको समझना होगा। और चंद्रशेखर आजाद पर इन्होंने बिना नाम लिए जातिवाद का आरोप लगाया, क्योंकि ये चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं ले सकते। चंद्रशेखर आजाद कोई हम क्यों समझे आखिर, यानी कि तमाम इन्होंने व्यस्त तो ये बोला कि चंद्रशेखर आजाद यानी तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो जातिवाद कर रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत है चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से दिक्कत है। वो क्यों दिक्कत है? क्योंकि भीम आर्मी के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय भीम आर्मी चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, वो हमेशा से ही जिसके ऊपर उत्पीड़न अत्याचार होता है वो उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और ये लोग
जो उत्पीड़न व अत्याचार करता है उसके पक्ष में खड़े होते हैं। तो इनकी जो विचारधारा है दोनों की, भीमा आर्मी और राष्ट्रीय गणित सेना की, वो बिल्कुल अलग है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत सिर्फ इन्हें भीम आर्मी से ही है। भीम आर्मी का बिना नाम लिए भीम आर्मी के सबसे ज़्यादा दुख ये बात का है कि भीम आर्मी अपने लोगों को न्याय दिला रही है। भीम आर्मी का जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी, अपने लोगों की लाठी खा रहा है। आखिर वो क्यों खा रहा है, आखिर क्या लाभ लोलच है, ये इनका सबसे बड़ा सवाल है। क्या अपना भीम आर्मी अपने समाज के लिए ये सब नहीं कर सकती, इनको ये दर्द है। पहले क्या था, जब भीम आर्मी नहीं थी तो गरीब दलित शोषित वंचितों पर अन्याय अत्याचार होते थे, वो दब जाते थे। अब ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सभी वीडियो देखते हैं, आप सभी वीडियो शेयर करते हैं, और गरीब दलित शोषित वंचितों पर उत्पीड़न में अत्याचार होता है उसको देश और दुनिया के सामने रखते हैं। फिर भीम आर्मी के लोगों को तक जब पहुँचती है घटना, तो वो उस परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसके पक्ष में देखते हैं और उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और ये लोग आरोपी के पक्ष में देखते हैं, आरोपी को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो आप समझ सकते हो कितना अंतर है भीम आर्मी और इनके जो संगठन है, इनकी विचारधारा में। और ये कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। चलो ठीक है, हम नार्को टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट हम भी कह रहे हैं, नार्को टेस्ट होना चाहिए, दूध और दूध का पानी होना चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि स्कूल में मटकी नहीं थी, स्कूल में मटकी हटाने में कितना समय लगेगा, ये एक और बड़ा सवाल है। आखिर मटकी 2 मिनट में हट जाएगी, अगर मटकी हो या ना हो। और वैसे हर स्कूल में मटका और या टीचर के लिए कैंपर वगैरह वो सब सुविधा होती है, ये सब जानते हैं। ये मैं क्या आपको बताऊं, आप समझ सकते हो। और चंद्रशेखर आजाद से काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं और ये न्याय के लिए कलेक्ट्री का घेराव कर रहे हैं। आखिर ये किस बात का न्याय मांग रहे हैं, ये हमारे अभी तक समझ में नहीं आया। आखिर ये किस बात के न्याय मांग रहे हैं, ये हमारा अभी तक नहीं समझ आया। आप क्या सोचते हो इस पूरे घटनाक्रम पर, हमें फिलहाल अपनी कमेंट में राय देना। और बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमला, बड़ा आरोप इन्होंने लगाया, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का ये नाम नहीं ले सकते। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम पर आप अपनी कमेंट में राय दें। बी मिशन टीवी चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। फिलहाल इस वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।